आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोरोना प्रकोप के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा, कोरोना टेस्ट बेहद जरूरी, इसे तुरंत बढ़ाया जाए। बेटे के टिकट के लिए सांसदी छोड़ने को तैयार है रीता बहुगुणा जोशी, बोली मैं इस्तीफा देने को तैयार। हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम पर बोली प्रियंका गांधी, पीएम मोदी से क्यों नहीं पूछते सवाल। चुनाव से पहले सपा का बड़ा ऐलान, 300 फ्री यूनिट बिजली देने का किया दावा, कल से होगा रजिस्ट्रेशन। कोरोना ग्राफ में उतार चढ़ाव जारी, लगातार 3 मामलों में गिरावट, देश में ओमिक्रॉन के 8,891 केस। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा सपा में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर आने वाले विधायक मुकेश वर्मा का विरोध करने का ऐलान किया है। इस मौके पर कई सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फौजी हूँ और मैं सुकोबाद विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो मुकेश वर्मा हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका बहुत सम्मान है, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र के लिए लायक नहीं है, और न किसी क्षेत्र की जनता को उनको बिल्कुल पसंद कर रही है, और न हम और जन मैं आदमी सांसद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे आदमी को टिकट देने का बिल्कुल प्रयास न करें, और उसके बाद आप से भी जनता दुष्ट हो जाएगी, और हमारी जनता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं उसी को टिकट देने सांसद जी से कहने से टिकट मिले, और मुकेश वर्मा को किसी भी क्षेत्र में पूरे छिकोहा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में न कोई जानता है, न उनका कोई सखल से जानता है, न कभी वो आए और न कोई वर्चस्व है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी टिकट कैंसिल किया जाए। खबर आगरा से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी होने के बाद लगातार ये देखने को सामने आ रहा है, प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाकर विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगानी शुरू कर दी है। वहीं ताजनगरी आगरा की ग्रामीण लोकसभा से राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी महेश कुमार जाटव ने अपने ग्रामीण विधानसभा से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, जहाँ उन्हें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। किसानों के लिए देखिए, किसानों के लिए हमने संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे, और हमारी सरकार बन रही है, जैसे ही सरकार बनेगी तो हम किसानों के लिए बहुत सहूलियत देंगे। सबसे पहले तो हमने बिजली किसानों के लिए सबसे पहले 12 की बिजली हमने फ्री कर दी है, जो करीब 50,000 रुपये का साल का बिल आता है। जब बिल नहीं आएगा 12 वाले पे, तो दूसरे को वो दे रहा है 12 से अपने से पानी, वो भी सस्ता देगा, तो सबको फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, हमने किसानों के लिए जो सम्मान निधि आती है, 2,000 की 3 किस्तें आती हैं जो 6,000 रुपये, उससे हम लोगों ने 15,000 कर दिया है। 5,000 की 3 किस्तें 15,000 हो गया। जो वृद्धा पेंशन है, बुजुर्ग जो भी 60 साल से ऊपर के हो जाते हैं, उनके लिए हमने 18,000 रुपये 1,500 रुपये महीने से। इससे फर्क पड़ेगा योजना? अरे क्यों नहीं, योजना है। लाइट हम कंज्यूमर को लाइट 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। खबर देवरिया से है, जहां पुलिस लाइन के लोक निर्माण ट्रस्ट तत्वाधान में जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मिशन शक्ति फेज 3 के समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस विभाग की 40 महिला अधिकारी व वन स्टॉप सेंटर के सभी भागों में 5 महिला कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीपत मिश्रा मौजूद रहे। के दौरान विभिन्न विभागों की महिला अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जो श्रेष्ठ प्रदर्शन जिनके द्वारा किया गया है, ऐसी महिलाओं को एक कार्यक्रम आयोजित कर आज पुलिस लाइन में सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों की 55
महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा और मेरे द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है तथा उनसे उनके कर्तव्य के दौरान और अधिक निष्ठा तथा लगन के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया है। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा के बसपा द्वारा नया बनाए गए प्रभारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बसपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद क्षेत्र के भ्रमण पर निकले अशफाक अहमद ने गांव में बिजली और पानी लाने की बात कही, साथ ही ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि विधायक बनने पर सड़कें भी बनवाई जाएंगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान अशफाक अहमद ने कहा कि इससे पहले इंजीनियर संजय तिवारी को प्रभारी बनाया गया था, पर वो जल्द ही हटा दिए गए। अलीगढ़ में अब तक बिना केंद्र पहुंचे टीकाकरण और जीवित को कोरोना से मृतक दर्शाकर लाभ पहुंचाने के मामले सामने आए हैं। इसी प्रकार का एक और नया हैरान कर देने वाला मामला यहां से सामने आया है कि अलीनगर निवासी जिस मोहम्मद आरिफ की 8 दिसंबर को मृत्यु हो चुकी है, उसको स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना रोधी टीका लगवा दिया। मृतक के परिजनों की शिकायत है कि मोहम्मद आसिफ ने 17 सितंबर को वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन दूसरी डोज 15 जनवरी को लगने से पहले ही 8 दिसंबर को कुछ बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। इनका पूरी तरह से एक घोटाला चल रहा है, ये उसी का जीता जागता एक स्वरूप है। एक मोहम्मद आसिफ नामक एक व्यक्ति को जो 30 साल उम्र, जिनकी डेथ हो गई दिसंबर में, उनको जनवरी के 15 जनवरी में दूसरा डोज लगा दिया गया। ये प्रमाण पत्र, ये कागजात ये बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पूर्णता तौर पर ये सरकार आंकड़े पूरा कर रही है और अपनी वाहवाही में मस्त है कि जो आदमी दुनिया में नहीं है तो उसके वैक्सीनेशन कैसे लग गई दूसरी डोज। पहली डोज जो है उसके हमारे छोटे भाई के, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, 17 सितंबर को 2021 में लगी है। उसके बीच में जो है 8 दिसंबर 2021 में उसकी डेथ हो गई, जिसका हमने नगर निगम से सर्टिफिकेट भी हमारे पास है उसका। एक दूसरी डोज लग जाती है तो जो आदमी दुनिया में नहीं है भाई उसको कैसे लग गई, ये हमें ज़रा सा बहुत ही अफसोस है हमारे छोटे भाई का। इसमें जो जवान PSC पे हमारा केंद्र था, वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीनेशन कराया गया, जिसने जो मोबाइल नंबर बताया उसकी आखिरी डिजिट में 3 के स्थान पर 2 था, जिस वजह से थोड़ी सी त्रुटि हुई है। और जो अरुण आनंद नाम के साठा गांव के व्यक्ति थे, उनको जब सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसके बारे में संज्ञान हुआ। साथ ही साथ यहाँ से भी हम लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ये बताया गया था, तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस विषय भी है, लास्ट डिजिट में गलती होने की वजह से ये थोड़ा सा हुआ है तो उसको दूर कर लिया। लखीमपुर में आज फिर से कोरोना का बम फूटा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच गया है। जिले में करीब 287 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 965 हो गई है। जिला प्रशासन के अधिकारी सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रहे हैं। कोविड को लेकर लखीमपुर जिला प्रशासन फेल है। चौराहों, मेन मार्केट, बैंकों और सरकारी दफ्तरों में लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। खबर देवरिया से है, जहां पर पुलिस की ओर से कई जगह अवैध कच्ची शराब की छापेमारी की गई है, जिसमें अपराधियों में हड़कंप मच गया है। कच्ची शराब के खिलाफ देवरिया पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। छापेमारी के दौरान भट्टियों को नष्ट कर दिया गया है। 1200 लीटर की कच्ची शराब बरामद हुई है और 82 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में ईंट भट्टों पर पुलिस ने एक साथ छापेमारी की है। गत 24 घंटे में देवरिया पुलिस ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए जिले में व्यापक अभियान चलाते हुए 365 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इस दौरान एक्साइज एक्ट के तहत 79 अभियुक्त पंजीकृत किए गए हैं, 82 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 1200 लीटर से ज्यादा की शराब बरामद हुई है, 500 कुंतल से अधिक की लहन नष्ट की गई है, 28 भट्टियां नष्ट की गई हैं, साथ ही 97 अभियुक्तों को के विरुद्ध जो NBW जिनके खिलाफ था उनको गिरफ्तार किया गया है, 9 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 177 व्यक्तियों को 151 आदि में और अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है,
इस प्रकार एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 365 अपराधियों के विरुद्ध पिछले 24 घंटे में कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुनील घुले के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार और कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसके बाद दोरही घाट थाने की पुलिस ने चेकिंग की है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम रसूलपुर देवारा के पास से अवैध कच्ची देशी शराब का निर्माण किया गया है। संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से करीब 200 लीटर और कुल 240 अवैध कच्ची शराब भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर लगाम लगाए जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज दोरही घाट थाना पुलिस द्वारा आज सुबह रसूलपुर देवारा नाम के स्थान पर दबिश दी गई, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि यहां पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत दबिश के दौरान 250 लीटर शराब और 8500 लीटर लहन बरामद हुई है, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया और इसके साथ ही एक अभियुक्त संजय सन ऑफ बनारसी ये पकड़ा गया है। देवरिया बनकटा थाने में तैनात एसआई अपने कारनामों को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। उक्त चर्चित एसआई कुछ सिपाहियों के साथ सोहनपुर गांव के घर में घुस गया, जहां पर महिलाएं स्नान कर रही थी। महिलाओं ने जब एसआई का विरोध किया तो नशे में धुत एसआई बाहर जाने के बजाय उन्हें गालियां देते हुए फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देने लगा। घटना से आक्रोशित महिलाओं ने थाने में जमकर उक्त एसआई के खिलाफ तहरीर दी और सुरक्षा की मांग की है। खबर फतेहपुर से है, जहां जहानाबाद थाना कस्बा मियां टोला निवासी एक युवक ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सुबह जैसे ही घर वालों ने उसे फांसी के फंदे पर झूलते देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मृतक विनोद की पत्नी लगभग एक महीने से अपने मायके में रह रही थी। सोमवार को छोटे लाल अपनी पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल गया था, पर पत्नी के मना कर देने से युवक मायूस होकर वापस आया और युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फरीदाबाद के गांव चिरौंदा के ग्रामीणों ने गांव में चल रही समस्याओं का समाधान न होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से लगती सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जाम लगने की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और मौके पर नगर निगम के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पिछले 5 सालों से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, न तो कोई अधिकारी पार्षद जो कि जिले के डिप्टी मेयर भी हैं, इलाके के विधायक कोई भी इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद ग्रामीण नरक की तरह स्थिति में जीने को मजबूर है। सर अभी जो पहले तो इन्होंने रोड तोड़ के डाल दी, अब रोड तोड़ने के बाद जो है कहीं मलबा उठेगा। अब 4 दिन से 5 दिन हो गए, मलबा उठाने का नाम ही नहीं है। काम तो पहले ही नहीं था और जो सड़क पर रोड टूटे पड़ा है, दुनिया भर के सीवर कनेक्शन टूटे पड़े हैं, दुनिया भर के पानी कनेक्शन टूटे पड़े हैं। पहले तो एक मैडम घूम भी रही थी, क्या यहाँ ये तख्त यहाँ पे क्यों पड़ा है, ये अवैध कब्जे क्यों है। अब मैडम ऐसी ईद की चांद हुई कि आने का मतलब नहीं है। मैडम अब आराम से नींद की गोली खा के सोई हुई है। खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर प्रधान ढाबा के पास ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। बता दें कि जीगो तिरलेंडा के रहने वाले जितेंद्र कुमार शुक्ला बाइक पर सवार होकर लखनऊ से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में ढाबे के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसे जितेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों द्वारा सूचना डायल 112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घायल को उपचार के लिए बछरावा CHC ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कौशाम्बी थाना क्षेत्र में ग्राम दाई का
पूरा में गांव के बाहर राष्ट्रीय पक्षी का मरा हुआ मिला, जहां राष्ट्रीय पक्षी का शरीर कुत्ते नोच रहे थे, जिसके बाद ग्रामीण की सूचना पर सबसे पहले प्राइम टीवी के रिपोर्टर ने पहुंचकर इस खबर की जानकारी ली और नजदीकी पुलिस चौकी इंचार्ज को सूचना दी, जिसमें गुलेरी कोशाम्बी चौकी इंचार्ज संजय परिहार ने इस मामले को संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर राष्ट्रीय पक्षी के शव को सफेद कपड़े में रखकर वहीं गड्ढे में दफन कर दिया। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।